मध्य प्रदेश के सागर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नरयावली विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने एक बार फिर सागर पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी को पत्र लिखा है। विधायक लारिया ने कहा है कि नरयावली विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की लगातार खबरें आ रही हैं। मकरौनिया, बहेरिया, कर्रापुर समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। उन्होंने विशेष दस्ते गठित कर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की मांग की है। रोहित मोबाइल मकरौनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरौनिया चौराहा, सागर। विधायक लारिया ने अपने पत्र में लिखा है कि पुलिस विभाग की पूर्व में हुई लगातार कार्रवाइयों से अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगी थी, लेकिन विगत कई दिनों से पुनः क्षेत्रवासियों द्वारा अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं। अवैध शराब बिक्री गांव-गांव में पान के टपरे, गुमटियों और उनके एजेंटों द्वारा थैले में रखकर की जा रही है। कई स्थानों पर अवैध अहाते बनाए जा रहे हैं, यह शासन के नियमों के विरुद्ध है। जगह जगह अवैध शराब की बिक्री से शराबियों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, जिस कारण से गांव-गांव में महिलाओं को अपने दैनिक जीवन के कार्य करने और सामाजिक कार्यों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध शराब से जुआ सट्टा, आत्महत्या और अन्य अपराधों पर भी अधिकता हो रही है। विधायक लारिया ने अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए विशेष दस्ते बनाकर कार्रवाई की मांग की है। किस तरह का मामला है? देखिए, पहले भी मैंने ये विषय उठाया था और पुलिस विभाग और आबकारी विभाग ने बड़ी सक्रियता के साथ कार्रवाई की थी, लेकिन बीच में फिर शिथिलता आई है और देखने में आ रहा है फिर अवैध शराब का व्यापार आगे फिर बढ़ा है। मैंने फिर आज पत्र दिया है कलेक्टर और एसपी को कि जिस तरह से पहले कार्रवाई की गई थी और उसके कारण काफ़ी गांव-गांव में रोक लगी थी, तो एक बार पुनः उसको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे, तो कुल मिलाकर सक्रिय रूप से कार्रवाई हो जाए और ऐसे लोग जो अवैध शराब बेच रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जो अहाते खुल गए हैं, सरकार ने इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था, तो वो कई जगह अहाते भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इस तरह की अवैध शराब को रोकना चाहिए। नरयावली विधानसभा में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में इस तरह की? देखिए, मैंने पत्र में उल्लेखित किया है कि चाहे वो बहेरिया हो, मकरौनिया हो, या ग्रामीण क्षेत्र कैंट हो, या ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह अवैध शराब, जैसे ही पुलिस अभी आचार संहिता लगी थी, थोड़ा सा हो सकता है उतना ध्यान नहीं दे पाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि बार फिर पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, आबकारी विभाग को एक्शन लेना चाहिए और जो अवैध शराब बिक्री हो रही है इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सागर से जितेंद्र श्रीवास के साथ आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट बेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे, तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना।